पर कैमरे पे रहती हूँ मैं। ओके हाउ वाज़ द फिल्म? फिल्म अच्छी थी। ओके एंड सैराट से बेटर थी कि कैसी थी, क्या कहना? और पहले वाली सैराट एक्चुअली में मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, मगर ये फिल्म आई है हिंदी में तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, मुझे इसमें ईशान की एक्टिंग ज़्यादा अच्छी लगी, जानवी से काफ़ी ज़्यादा। हाँ, जानवी का लंच के बाद एक्टिंग उसकी काफ़ी अच्छी थी। 2.5। और अगर बात करिए ईशान खेतान का, आपको डायरेक्शन कैसा लगा? ईशान खेतान का डायरेक्शन अच्छा था। तो वैसे भी ईशान शशांक तो वैसे भी अच्छा डायरेक्टर है यार, पहले भी बद्रीनाथ की दुल्हनिया और ये सब। मुझे तो बेटर देन सैराट, बेटर देन सैराट बोल सकते हैं थोड़ा बहुत है, लेकिन पहले वाली सैराट बहुत अच्छी थी। थैंक यू। ओके हाउ वाज द फिल्म मैम, कैसी लगी मूवी आपको? पिक्चर ठीक ठाक लगी, मतलब दुख हो रहा है कि लोग इतने दिन से इस पिक्चर का वेट कर रहे थे और मज़ा नहीं आया उतना। करण जौहर की फिल्म बोले, श्रीदेवी की बेटी की ओपनिंग फिल्म बोले, उस हिसाब से देखने जाए तो जीरो। ओके स्टार की अगर बात करी जाए, जिस तरह आपने बोला जीरो, तो कितने स्टार देना चाहेंगे आप मूवी को? फिल्म को मैं 3 दूंगी ओवर एंड ऑल। ओके सो लगता है कि सैराट के कहीं आसपास भी आप आई है या उससे बेटर है? एक तो पिक्चर का एंड बहुत बकवास है, एंड नहीं अच्छा लगा, मतलब बोलते हैं ना सेंसलेस एंड बनाया, कोई मतलब ही नहीं है इस तरह के एंड का, और बहुत जल्दी वाला एंड किया, ऐसा लगा कि वो पुरानी धड़क को कॉपी करके एंड करना है बस। पूरी फिल्म ऐसा इतना लंबी खींची और एंड एकदम 2 मिनट में कर दिया। डायरेक्शन भी ढीला है, शशांक जी की पहली फिल्मों को देखे तो इस हिसाब से ये फिल्म तो जीरो है। मतलब सैराट के आसपास कहीं भी नहीं, नहीं नहीं सैराट के बाकी भी आसपास नहीं। प्रोफाइल बता, प्रोफाइल बता जल्दी। ओके हाउ वाज द फिल्म, कैसी लगी मूवी आपको, इसके बारे में जानना चाहूंगा। मूवी अच्छी थी, मतलब कंपेयर टू सैराट ओके ओके, मतलब एस डिटो नहीं बनाया पर थोड़ा अलग बनाया, अच्छा है मूवी। ओके अगर स्टार की अगर बात की जाए तो कितने स्टार देना चाहेंगे मूवी? मैं 4 स्टार देना चाहूँगा, मतलब एक्सपेक्टेशन थे थोड़ा बहुत तो है, अच्छा है मूवी, एंडिंग भी अच्छा है। आसपास तो नहीं जाएगी पर 100 करोड़ क्रॉस कर लेगी, आसपास जाएगी नहीं, मतलब वो एक बार ही वो होता है, वो वैसा वापस नहीं होगा। और शशांक खेतान की अगर बात की जाए तो उनके डायरेक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डायरेक्शन अच्छा है उनका, मूवी भी थोड़ा मतलब स्क्रीन प्ले भी अच्छा है, मूवी थोड़ी ओवरऑल अच्छी है, मूवी देखने लायक है। ओके सर हाउ वाज द फिल्म, कैसी लगी मूवी आपको, इसके बारे में? मैं मूवी से ज़्यादा देखने आया था कि श्रीदेवी की बेटी और ईशान खट्टर, जो मुझे बहुत लुभा चुके थे ट्रेलर में, उनको देखने आया था, दोनों काफ़ी अच्छे लगे हैं मुझे। एक्टिंग वाइज अगर बात करिए तो कैसी लगी आपको ईशान? ईशान खट्टर जो है बहुत परफेक्ट है, और जानवी जिस तरह की कहानी है उसमें डिसेंट लग रही है, इसके आगे जब उन्हें अगर काम करना होगा तो मेहनत करनी पड़ेगी। ओके सैराट की अगर बात करिए, जो एक तरफ सैराट है और एक तरफ धड़क है, तो आप क्या कहना चाहेंगे सैराट? देखिए मैंने सैराट देखी है और मैं मराठी जानता हूँ, तो मुझे सैराट जो है ओरिजिनल है बहुत अच्छी लगी थी, उस तरह की ये चीज़ें नहीं है जिस तरह से एक अर्ची और परशा ने भूमिका निभाई थी, वो तो नहीं है, लेकिन इन्होंने जिस तरह से इसे थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ दिखाने की कोशिश की है, ये सैराट का थोड़ा अपग्रेड वर्जन है, इसे मैं कहना चाहूँगा। ओके एंड डायरेक्शन की अगर बात करिए तो कैसा लगा? शशांक खेतान इनकी मैं हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया दोनों देखा हूँ, तो मैं इन्हें पसंद करता हूँ, डायरेक्शन बहुत अच्छा है। जो इन्होंने फिल्म का अंत किया है वहाँ थोड़ा सा मैं डामाडोल हो गया कि इन्होंने चौंकाने के लिए शायद कुछ कर दिया है, वो मुझे पसंद नहीं आया। ओके स्टार वाइज कितने स्टार देना चाहेंगे? स्टार वाइज मैं ईशान खट्टर जानवी को देना चाहूँगा 5 में से 2.5। थैंक यू। ओके सर हाउ वाज द फिल्म, कैसी लगी आपको? अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि मराठी फिल्म सैराट की तरह ये फिल्म है तो आप बिल्कुल नहीं जाइए, अगर आपको एक रोमांटिक और बहुत ही प्यारी सी मूवी देखनी है तो आपको ये फिल्म देखनी चाहिए धड़क। ओके सैराट से बेहतर लगी आपको ये सैराट के आसपास भी? देखिए सैराट एक ऐसी मूवी थी जो मराठी थी और 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा उसने क्रॉस किया, कमाई के मामले में एक अलग ही उपलब्धि हासिल की, लेकिन धड़क की जो बात है करण जौहर है, जाहिर है 100 करोड़ आसानी से जाएगा, 2 हफ्ते लगेंगे, लेकिन दोनों बहुत ही डिफरेंट फिल्म है। ईशान जानवी की अगर बात करिए तो उनका काम? ईशान खट्टर लाजवाब है, क्लास काम किया लड़के ने, लेकिन जानवी जो है कहीं ना कहीं उसको ऐसा देख के लग रहा है जबरन उससे काम कराया गया, उसका बॉलीवुड में काम करने का तो मूड नहीं दिख रहा। डायरेक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? शशांक खेतान ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया है और ये उनकी बहुत बड़ी भूल है, उन्हें लगता है कि हम्पटी शर्मा जैसी फिल्में ही उन्हें करनी चाहिए क्योंकि ये सीरियस फिल्म है और इसे करने की अब आगे से भूल ना करें। ओके सर अगर स्टार की अगर बात की जाए तो कितने स्टार देना चाहेंगे आप? मुझे लगता है 2.5 स्टार इस फिल्म के लिए बहुत है। ओके हाउ वाज द फिल्म मैम, कैसी लगी आपको थोड़ा? ओके ओके नॉट गुड नॉट बैड। ओके सैराट की अगर कंपेयर करिए तो क्या उससे बेटर मानती है? देखो मराठी सैराट थी,
उसको ऑलरेडी महाराष्ट्र के ऑडियंस ने, जो मराठी भाषी ऑडियंस है, उन्होंने 3-4 बार देखा है. तो महाराष्ट्र का ऑडियंस है, मुझे लगता है कि वो पहले दिन या एक वीक में दौड़ के नहीं आएगा देखने के लिए. जो नॉन मराठी ऑडियंस है वो देखने आएंगे, और वो भी ईशान और जानवी को देखने आएंगे. परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो ईशान का बहुत बढ़िया है, आशुतोष राणा जी का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, और जानवी का मुझे अच्छा नहीं लगा. मेवाड़ी एक्सेंट वो पकड़ ही नहीं पा रही थी. डायरेक्शन की अगर बात करें तो शशांक खेतान का डायरेक्शन क्या? डायरेक्शन उनका अच्छा था और सिनेमेटोग्राफी भी बहुत अच्छी थी. तो विजुलाइज बहुत अच्छे से किया गया था. हालांकि विजुलाइज तो करण जौहर की हर एक फिल्म में अच्छे से किया जाता है. लोगों को उसका एंड भी पसंद नहीं आया है. नहीं, एंड में जिस तरह से दिखाया गया है, बच्चे को मरे हुए दिखा रहे हैं, मतलब बच्चे का खून दिखाया गया है, छोटे बच्चे का, तो मुझे लगता है कि इंडियन ऑडियंस जो है वो जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती. ओके, कितने स्टार देना चाहेंगे? 3. थैंक यू. अगर धड़क की अगर बात करें तो कैसी लगी आपको? धड़क मूवी बहुत अच्छी लगी. मैं ये नहीं बोलूँगा कि जो सैराट वाले हो धड़क देखने ना जाए, बट आई वुड रिकमेंड देम टू वॉच दिस मूवी. और इसमें ये कहना चाहूँगा कि मैं जो ईशान खट्टर और जानवी कपूर ने जो एक्टिंग की है बहुत ही बेहतरीन की है. ईशान खट्टर तो ऑन ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट, बट जानवी आई वुड टेल हर टू इम्प्रोवाइज हर सेल्फ. ओके, शशांक खेतान ने भी इसमें डायरेक्शन करा है, तो कैसा लगा आपको उनका डायरेक्शन? देखिए, अगर मैं सैराट के साथ कंपेयर करने जाऊँ, उन्होंने सेम टू सेम चीज़ें अप्लाई नहीं की है. मैं बहुत सारे मिर्च मसाला तो डाले, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो सेम टू सेम सैराट है, बट यस, देर आर सम डिफरेंस बिटवीन सैराट एंड धड़क. तो कितने स्टार देना चाहिए? 3 स्टार्स में देना था. ओके, हाउ वाज द फिल्म, कैसी लगी आपको? मुझे अच्छी लगी. मैंने सैराट के बारे में सुना है, जितना सुना है सैराट के बारे में, उस हिसाब से मैं धड़क देखने आई थी. तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इट्स अप टू द मार्क. आई मीन पूरा आप नहीं बोल सकते हो कि सैराट के जैसा है, बट इट्स लाइक अप टू द मार्क. इफ आई से कि कंपेयर करो तो नहीं, कंपेयर आप नहीं कर सकते हो, बिकॉज सैराट का लेवल बहुत अलग है. और महाराष्ट्र के लोग अगर देखेंगे धड़क तो दे आई थिंक दे वॉन्ट लाइक, बिकॉज सैराट में वो जो रॉनेस बोलता है ना वो थी, और धड़क में कहीं ना कहीं मुझे कमर्शियल ज़्यादा लगे. तो चेंजेस तो बहुत है, जैसे बैकड्रॉप, लाइक इधर सैराट में महाराष्ट्रियन बैकड्रॉप लिया था और इधर राजस्थान उदयपुर का बैकड्रॉप लिया है. तो और आप देखा जाए तो कॉस्ट्यूम्स एंड ऑल, उसमें बहुत फ़र्क है. मैंने जो अभी बोला उसमें वो रॉनेस थी, और इसमें आपको कमर्शियलाइज ज़्यादा दिखेगा. और म्यूज़िक की बात करें तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि राजस्थान का फोक इसमें हो म्यूज़िक में, जो सैराट में जैसे महाराष्ट्र का वो था, राइट? तो अजय अतुल ने म्यूज़िक दिया तो ऑब्वियसली थोड़ा महाराष्ट्र का टोन रहेगा. तो म्यूज़िक वॉज गुड. ईशान तो मुझे बहुत अच्छा लगा. आई मीन उनका मैंने बियॉन्ड द क्लाउड्स देखा, लाइक द एक्टिंग, और इसमें भी उनका एक्टिंग मुझे बहुत अच्छा लगा. कहीं ना कहीं मुझे शाहिद कपूर का झलक देखने को मिला. और जानवी की अगर मैं बात करूँ तो आई फाउंड अ लॉट ऑफ एफर्ट. ये होता ना एक्टिंग में आपके एफर्ट नहीं देखनी चाहिए, तो जानवी में मुझे वो कहीं ना कहीं वो एक्सेंट जहाँ पे बोलने की कोशिश कर रही थी, राजस्थानी एक्सेंट, उसमें मुझे बहुत एफर्ट लगा. 3. चलेगा ना? ओके, चल शूट. कौन सी लैंग्वेज में? लैंग्वेज हिंदी. हाँ, धड़क फिल्म जो है बहुत अच्छी लगी. एंड कंसिडरिंग इट्स अ धर्मा प्रोडक्शंस फिल्म, एक लोग उम्मीद लेके जाते हैं और प्रोडक्शन वैल्यू की भी एक उम्मीद होती है, तो वो हिसाब से द फिल्म इज़ वेरी गुड. मतलब टेक्निकली स्लिक फिल्म है. इतना ज़रूर है कि आप सैराट जो कि जिसका ये एडेप्टेशन है वो उससे कंपेयर करोगे तो हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं कमी महसूस होगी. लेकिन ओवरऑल ये फिल्म जो है इसका जो क्लाइमैक्स है वो खास है, क्योंकि थोड़ा ऑफ बीट टाइप ऑफ क्लाइमैक्स है, और या तो आपकी धड़कन रुक जाएगी या फिर धड़कन तेज़ हो जाएगी. और जाह्नवी की तो बात करें तो परफॉर्मेंस बहुत ही नेचुरल है. ये उन्होंने, जाह्नवी ने साबित कर दिया कि उनके खून में श्रीदेवी का जो एक हुनर, श्रीदेवी की जो हुनर थी वो उनकी जो हुनर उनके खून में दौड़ रही है.
और ईशान का भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। तो ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि इसको 3.5 to 4 स्टार्स दिया जा सकता है। और जैसे मैंने अभी कहा कि आप विदाउट एक्सपेक्टेशन जाओ तो आपको फिल्म अच्छी लगेगी, लेकिन आप हाई एक्सपेक्टेशन से जाओ तो हो सकता है आपको थोड़ा कहीं ना कहीं कमी महसूस होगी, ख़ास तौर पे इसलिए कि म्यूज़िक जो है हमेशा धर्मा प्रोडक्शंस का बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त होता है, लेकिन इसमें उन्होंने झिंगाट का गाना जो है उसको दोबारा वही ट्यून प्ले किया है, तो उसमें फिर आपको लगता है कि काश इनके फिल्म में ओरिजिनल गाना कुछ होना चाहिए था, जो राजस्थानी टाइप का जो हिट होना चाहिए था, तो फिल्म में और चार चांद लग जाते। हाँ, शशांक खेतान बहुत ही मतलब टेक्नीशियन और बहुत अच्छे डायरेक्टर है, और उन्होंने इसमें टोटल जो है परफेक्ट ऑथेंटिक जिसको कहते हैं ना, जो उदयपुर में शूटिंग की है और कोलकाता में शूटिंग की है, जो कल्चरल सेंसिबिलिटी है वो उन्होंने बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट किया है, और सेंसिटिविटी इमोशनल और जो रोमांटिक सेंसिटिविटी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से काम उनका परफॉर्मेंस उनसे लिया है, तो ओवरऑल मतलब फील होता है कि धर्मा प्रोडक्शंस में कोई कल्चरल और रूरल जो छोटे शहर का जो सेंसिटिविटी लेकर आने वाला एक नया डायरेक्टर धर्मा प्रोडक्शंस में ये इस बार उन्होंने धड़क डायरेक्ट किया। मैं 3 स्टार्स दूंगा, और 3.5 इसलिए दूंगा, हाफ स्टार स्पेशली फॉर जानवीज नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस परफॉर्मेंस। धड़क अच्छी थी, ठीक ठाक लगी, ज़्यादा मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत अच्छी थी, ठीक ठाक थी, एवरेज फिल्म है, वन टाइम वॉच है। जी जी ज़रूर। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी, कहीं ना कहीं आसपास में लगी आपने? पहली बात तो मैंने सैराट देखी नहीं है, पर मैंने बहुत ज़्यादा सुनी थी सैराट के बारे में कि जो न्यू फेस थे उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। सैराट जो जानते नहीं थे लोग जानने लगे, तो वैसे कंपैरिजन तो मैं नहीं कर सकती, पर धड़क अपनी जगह है, सैराट अपनी जगह। ईशान तो उनकी एक्टिंग जैसे बियॉन्ड द क्लाउड्स में हमने देखी थी अच्छी एक्टिंग की है, उसी तरह उन्होंने धड़क में भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन जाह्नवी कहीं ना कहीं मुझे कम लगी। जो इमोशनल सीन्स थे मैं मतलब इमोशनल हो नहीं पा रही थी, जबकि इमोशनल सीन्स थे वो कहीं ना कहीं फील देने में फेल हो रही थी। अगर वो थोड़ी मेहनत करे, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करे, तो वो ज़रूर नेक्स्ट फिल्म में अच्छा करेंगे। नहीं, मैं 3 देना चाहूँगा।